तो चलिए शुरू करते हैं। तू सोच, अगर एक दिन में बोस के एक कैसीनो से इतनी टर्न ओवर हो सकती है तो बाकी सबकी इनकम तू सोच भी नहीं सकता। और महाशय एसीपी साहब, आपकी पुलिस की वजह से इतना दम नहीं जीतना बोस के नाम में है। आपसे कोई इतना नहीं डरता होगा जीतना मेरे बोस के नाम से डरते है। यहाँ तक आपका पुलिस डिपार्टमेंट से लेके आर्मी तक मेरे बोस के सिफे नाम तक से थर थर कांपती है। अगर उनको पता चले कि बोस यहाँ से वहाँ आने वाले हैं तो वो लोग पूरे रास्ते को खाली करवा देंगे। उनका एक नाम काफी है किसी की भी जान निकालने के लिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका ऐसा जीजा है जिसके एक इशारे से पूरा अंदरवर्ल्ड चलता है। राघव की सारी बात सुन राहुल वरुण का मुंह बन गया। वरुण राघव को देख मुंह फेर के बोस का चमचा हुआ। वरुण राघव को घूर के राहुल का हाथ पकड़ साइकिल के पास चला गया। वरुण साइकिल को ध्यान से देख उसके गोल चक्कर लगा के बोला, इसकी चाबी कहाँ है और इसका गियर ब्रेक स्पीड मीटर कहाँ है? इसमें तो ब्लैक भी नहीं है और एसी भी नहीं है। वरुण की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग वरुण को आंखें फाड़े देखने लगे, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। यहाँ तक राहुल भी वरुण को बुरी तरह घुने लगा। वरुण ने जो जो मांगा था उनमें से एक भी चीज साइकिल में नहीं थी सिवाय ब्रेक के। राघव का तो मुंह ही खुला रह गया। वो आंखें फाड़े मुंह खोले वरुण को देखने लगा। वरुण की बात सुन उसके बॉडीगार्ड ड्राइवर ने अपना सर झुका लिया। उनको अपने बोस पर काफी गुस्सा आ रहा था। उनका बेवकूफ बोस खुद के साथ साथ उनकी भी इज्जत निकाल रहा था। वरुण राघव की ओर देख, इसकी चावी दो और इसका एसी ऑन कर दो। अब तो हद ही हो गई। वरुण साइकिल की चावी तो ठीक है लेकिन उसमें एसी की बात कर रहा था ड्राइवर बेचारा। राघव के चेहरे को देख अपनी नजरें और झुका ली। उसका बस चलता तो वो वही गड़ा खोद उसमें छुप जाता। राघव के पास खड़ा बॉडीगार्ड राघव को हिला के उसे सोकत से बाहर लाके बोला, राघव भाई राघव भाई। राघव सोकत से बाहर आके हमम में थेक हूँ। राघव अपना सर सहला के वरुण के पास जाके दांत पीस के बोला, ये कोई कार नहीं है जिसमें एसी होगा और ना ही कोई सिट है जिसमें बेल्ट होगी। ये बिना चावी के चलती है और इसे तू अपने आलसी पैरों से चलाएगा। इसे कहते हैं पैडलर और इसे ब्लेक पैडल को गोल गोल मारना और इसे बेलेंस करना। ये रही सिट और ये थैली। अब जाके सामान लेके आ बेवकूफ कहीं का। राघव एक एक बात अच्छे से दांत पीस के बोली। वरुण राघव की बातें सुन हैरानी से कभी साइकिल को देखता तो कभो राघव को देसे। राघव ने उसे साइकिल नहीं कोया रोकेट चलाने को कहा हो। राहुल बेचारा तो वरुण की बात सुन सदमे में ही चला गया था। हमारे वरुण महाशय ने कभी साइकिल चलाना तो दूर देखी तक नहीं थी। कार में घूमने वाले शहजादे के लिए साइकिल किसी रॉकेट से भी अनोखी चीज है। एक बार वो रॉकेट को चला सकता है लेकिन साइकिल को वो चला पाएगा या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। कहानी में आगे वरुण हैरानी से आंखें बरी कर कया कहा, इसमें ऐसी नहीं है और इसे मुझे पैरों से चलाने होगी। राघव उसकी बात सुन और चिर गया। उसने चिर के कहा, हा इसे तुम्हें अपने नाजुक पैरों से चलानी होगी। राघव ने एक वद चबा चबा के कहा। वरुण साइकिल को घूर घूर के, मुझे नहीं चलानी। अगर इसे चलाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया तो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना कानूनी अपराजित होता है और मैं अपराजिती नहीं बनूंगा। अपराजित नहीं अपराध होता है सर, वरुण के ड्राइवर ने उसकी बात सही करते हुए कहा। वरुण जो भी होता है तुम समझ गए ना, अब इसे भी समझा दो, मैं अपराजित नहीं बनूंगा। राघव अब वरुण की बकवास से थक चुका था। उसका मन खुद का सर फोड़ निका कर रहा था। राघव वरुण को इग्नोर कर राहुल को देख बोला, तुम्हें तो साइकिल के बारे में पता है या तुम भी इसके जैसे बेवकूफ हो? वरुण उसके मुंह से खुद को बेवकूफ सुन मुंह बना लिया। राहुल राघव की आवाज सुन होश में आके बोला, मुझे साइकिल चलाना आता है। राघव गहरी सांस लेके, चलो कोई तो समझदार है, तुम साइकिल चलाना और तुम शहजादे उसके पीछे बैठना उसे पकड़के। वरुण को राघव की ये बात अच्छी लगी। उसने जट से हाँ में सर हिला दिया। राहुल वरुण को लेके साइकिल चलाते हुए वहां से निकल गया। राघव दोनों को जाता देख पीछे खड़े आदमी को कहा, जाने उनका पीछा करो, ध्यान रहे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। समय का रूम समय तापसी को अपनी बाहों में भर के अभी तक सो रहा था। आज पहली बार होगा जब समय इतनी देर तक सो रहा होगा। तापसी समय बिना कपड़ों थे एक मखमली चादर में लिपटे हुए थे। तापसी समय के ऊपर सो रही थी। उसका छोटा सा सर समय के सिने में घुसा हुआ था। समय का एक हाथ तापसी की कमर पर कसा हुआ था और दूसरा तापसी के सर पर समय ने
नींद में भी तापसी को इतना कसके पकड़ा हुआ था जैसे कहीं उसने थोड़ी भी पकड़ ढीली की तो तापसी उसे दूर हो जाएगी। तापसी भी कहा कम थी, उसने भी अपने छोटे हाथों से समय को कसके पका हुआ थे। उसके दोनों पैर समय के पैरों के बीच थे। समय तापसी दोनों ही एक दूसरे को कसके पकड़े हुए सो रहे थे। एक बड़े से विला में एक लड़का हाथों से सिगरेट लेके पी रहा था। उसके पास दो लड़कियां बेदी हुई थी। एक लड़की लड़के को देख रो रही थी और दूसरी लड़की उस लड़की के रोने से इरिटेट हो चुकी थी। लड़का रोती हुई लड़की को देख सिगरेट साइड में रखी ट्रे में रख बोला, रोना बंद करो साहिन, तुम अब बच्ची नहीं रही जो छोटी छोटी बात पर रोने लगोगी। साहिन उस लड़की का नाम था जो रो रही थी। साहिन रोते हुए उस लड़के से बोली, भाई मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उस पर सिर्फ मेरा हक है लेकिन वो मुझे चोर किसी बटरफ्लाई के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मुझे उसकी होना है। लड़का साहिन की बात सुन बोला, वो लड़की कौन है मैं पता करता हूँ, तू रोना बंद कर बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। साहिन लड़के की बात सुन रोते हुए बोली, भाई मुझे कुछ पता आप क्या करोगे कैसे करोगे लेकिन मुझे समय किसी भी हालत में चाहिए, फिर चाहे आप कुछ भी करो लेकिन मुझे समय चाहिए चाहिए चाहिए, वरना आप जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। साहिन अपनी पास बेदी लड़की के हाथ को दूर कर बोली, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है साहिन, बासुनाम है मेरा, आज जो तुमने किया है अगली बार गलती से भी मेरे काम के बीच आने की हिम्मत मत करना वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। साहिन गुस्से में लड़की से बोली। लड़की साहिन की बात सुन डर गई। लड़की डर से साहिन से दो कदम पीछे हो गई। लड़का लड़की को डरता देख अपनी बहन से थोड़ा गुस्से में बोला, साहिन ये क्या तरीका है वानी से बात करने का, अभी के अभी वानी से सॉरी बोलो। सॉरी बोलूं वो भी इसे आपने सोच भी कैसे लिया, मैं इसे सॉरी बोलूंगी। वरदान भाई आप चाहते हो आपकी साहिन किसी के सामने झुके। साहिन ने एटीट्यूड से वरदान से बात की, उसकी नजरें गुस्से में वानी को घूर रही थी। वरदान ने अपनी बहन की बात सुन कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर ना में हिला दिया। साहिन वानी को घूर के वहां से जाते हुए वरदान से बोली, भाई आप पर पहला हक मेरा है, ये बात आप भूलना मत, आप मेरे सामने किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। साहिन इतना बोल वहां से चली गई। वधौन अपनी बहन की खुद को खत्म करने की बात सुन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। वधौन बाशु साहिन बाशु का भाई और वानी का बॉयफ्रेंड, वरदान समय का बिजनेस राइवल है, दोनों की राय ली से पूरा अमेरिका डरता है। समय वधौन जब जब सामने आई है दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हुआ है। वधौ को जब साहिन के समय से प्यार करने वाली बात पता चली उसे बहुत गुस्सा आया। उसने साहिन को साफ मना भी किया था लेकिन साहिन ने वधौन की बात नहीं मानी। ऊपर से उसने वधौन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर वधौन ने उसकी शादी समय से नहीं करवाई तो वो अपनी जान ले लेगी, और उसने दो बार खुद की जान लेने की कोशिश भी की थी जिसे वधौन को ना चाहते हुए भी अपनी बहन के आगे झुकना पड़ा। उसने अपनी दुश्मनी भुला के समय के सामने दोस्ती का हाथ बाया। वधौन पूरी दुनिया में अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता है, वानी से भी ज्यादा। साहिन की हर जिद पूरी करना उसकी आदत बन चुकी है। साहिन को बचपन से वरदान ने इतना बिगाड़ा है कि अब साहिन उसकी भी कोई बात नहीं सुनती, जो उसका दिल करता वही करती चाहे फिर वो वधौन को पसंद हो या ना हो। वधौन को अपनी बहन के इस नेचर को देख खुद पर कई बार गुस्सा आया है कि क्यों उसने उसे इतना बिगाड़ रखा है, क्यों उसने उसकी हर जिद मानी, क्यों उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। पहले साहिन ऐसी नहीं थी, जब तक वधाटन साहिन के मोम डेड जिंदा थे तब तक साहिन कभी फालतू चीज के लिए जिद नहीं करती, जो उसके डेड लाके देते वो खुशी खुशी ले लेती। लेकिन जब दोनों की मौत हुई उसके बाद वधौन ने सारी जिम्मेदारी खुद के छोटे कंधों पर उठा ली थी। उस वक्त वधौन सिर्फ 12 साल का था और साहिन 8 साल की। वधौन ने 7 साल में अपना बिजनेस और नाम खुद अपने दम पर बनाया। वधौन का होटल बिजनेस है जिसे उसके डैड ने एक होटल से शुरू किया था और वधौन ने उसे अपने दम पर पूरी दुनिया में फैलाया। बाशु कंपनी होटल बिजनेस अमेरिका में दूसरे नंबर पर आती है और पहले पर समय मल्होत्रा की ड्रैगन कंपनी। समय की नॉर्मल होटल बिजनेस में अभी एक अलग पहचान थी जिसे लोग ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन नाम समय ने नहीं दुनिया ने उसे दिया है, वरना उसके बिजनेस होटल का नाम पहले डेंजर्स होटल कंपनी था जिसे लोगों ने ड्रैगन नाम से बुलाना शुरू किया। अब वो ड्रैगन क्यों परा और ऐसा क्या है डेंजर्स होटल के पीछे, वो तो आपको बाद में पता चलेगा।
वधौन साहिन के जाने के बाद वानी से बोला, सोरी वानी, वो अभी मासूम बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वो अभी थोड़ा गुस्से में है इसलिए ये सब बोल दिया। वानी वधौन को इतना कुछ होने के बाद भी इतना कामली बोलते देख अपना सर ना में हिला दिया। देसे उसे कहना चाहती हो कि तुम और तुम्हारी ये आदत साहिन को और बिगाड़ रही है। वधौन वानी के पास जाके उसका हाथ पकड़, सोरी जान, मेरी बच्ची को माफ कर दो, वो सच में अभी बच्ची है। वानी वधौन के मुंह से साहिन के लिए बच्ची सुन गुस्से में अपना हाथ छुरा के बोली, यही आदत तुम्हें एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं देगी। तुम हमेशा उसकी सारी गलत बात को बच्ची की नादानी समझ इग्नोर करते आए हो। यही चीज साहिन को इतना जिदी बना दी। वो तुम्हारे हाथ से पहले ही बाहर जा चुकी है। अगर तुमने ऐसे ही उसकी बातें मानी तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ेगी। वधौन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और उसे भी संभालो। वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ से चली जाए, उसे पहले उसे रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। डार्क हेल। समय तापसी को लेके हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने राहुल वरुण टूटी फूटी हालत में सोफे पर गिरे हुए थे। राघव दोनों को खुन्नस में देख रहा था। तापसी राहुल वरुण को ऐसी हालत में देख हैरान थी। तापसी इस वक्त समय की गोद में थी। समय तापसी को ठीक से पका अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लिप्त राहुल वरुण को आंखें छोटी कर देख रहा था। राहुल अपने सर पर एक हाथ रख दूसरे हाथों को देख रोते हुए वरुण को लात मार के बोला, कमीने, मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मनहूस, कहीं का ये सब तेरे कारण हुआ। वरुण राहुल के ऐसे लात मारने से सीधा जाके जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही उसकी चिख निकल गई, आह मेरी कमर। वरुण अपनी कमर सहलाते हुए चिल्ला के बोला, हाय राम, तोड़ दी मेरी कमर, मर गया। राहुल उसकी नौटंकी देख चिरके, अभी तक तोड़ी नहीं है, अब तोड़ूगा, कमीने, एक बार मेरा हाथ पैर ठीक होने दे। तुझे एक महीने तक हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी राहुल वमो नहीं। डार्क हेल। समय तापसी को लेके हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने राहुल वरुण टूटी फूटी हालत में सोफे पर गिरे हुए थे। राघव दोनों को खुन्नस में देख रहा था। तापसी राहुल वरुण को ऐसी हालत में देख हैरान थी। तापसी इस वक्त समय की गोद में थी। समय तापसी को ठीक से पका अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लिप्त राहुल वरुण को आंखें छोटी कर देख रहा था। राहुल अपने सर पर एक हाथ रख दूसरे हाथों को देख रोते हुए वरुण को लात मार के बोला, कमीने, मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मनहूस, कहीं का ये सब तेरे कारण हुआ। वरुण राहुल के ऐसे लात मारने से सीधा जाके जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही उसकी चिख निकल गई, आह मेरी कमर। वरुण अपनी कमर सहलाते हुए चिल्ला के बोला, हाय राम, तोड़ दी मेरी कमर, मर गया। राहुल उसकी नौटंकी देख चिरके, अभी तक तोड़ी नहीं है, अब तोड़ूगा, कमीने, एक बार मेरा हाथ पैर ठीक होने दे। तुझे एक महीने तक हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी राहुल वमो नहीं। वधौन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और उसे भी संभालो। वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ से चली जाए, उसे पहले उसे रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। ए फ्लैट आगे। डार्क हेल। समय तापसी को लेके हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने राहुल वरुण टूटी फूटी हालत में सोफे पर गिरे हुए थे। राघव दोनों को खुन्नस में देख रहा था। तापसी राहुल वरुण को ऐसी हालत में देख हैरान थी। तापसी इस वक्त समय की गोद में थी। समय तापसी को ठीक से पकड़ अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लिप्त राहुल वरुण को आंखें छोटी कर देख रहा था। राहुल अपने सर पर एक हाथ रख दूसरे हाथों को देख रोते हुए वरुण को लात मार के बोला, कमीने, मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मनहूस, कहीं का ये सब तेरे कारण हुआ। वरुण राहुल के ऐसे लात मारने से सीधा जाके जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही उसकी चिख निकल गई, आह मेरी कमर। वरुण अपनी कमर सहलाते हुए चिल्ला के बोला, हाय राम, तोड़ दी मेरी कमर, मर गया। राहुल उसकी नौटंकी देख चिरके, अभी तक तोड़ी नहीं है, अब तोड़ूगा, कमीने, एक बार मेरा हाथ पैर ठीक होने दे। तुझे एक महीने तक हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी राहुल वमो नहीं। वरुण अपनी कमर पकड़ खड़ा होके दूसरे सोफे पर बैठ के बोला, ओए, मैंने क्या किया जो तू मुझे मारना चाहता है? मैंने तो तुझे ब्रेक लगाने से मना किया था, तूने ही ब्रेक लगाई, तो क्या करता, उसमें खुद को पूरा गार देता और यहाँ की जगह हॉस्पिटल पहुँच जाता। राहुल ने गुस्से चिर के कहा। वरुण, हम उसके ऊपर से आराम से निकल जाते लेकिन तूने ही दर से ब्रेक लगा दी, मैंने तो मना भी किया था, उसमें मेरी क्या गलती जो हम गिरे। राहुल उसकी बात सुन पहुंचे गया। उसने गुस्से में दांत पीस वरुण से कहा, बेवकूफ आदमी, हमारे पास कार नहीं
ही जो उस गड्ढे को आसानी से पार कर देती। हमारी साइकिल के लिए वो गड्ढा काफी बड़ा था, वो उसे क्रॉस नहीं कर पाती और तेरे चक्र में हमारी साइकिल उसमें गिरी और हमें ये चोट लगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब दोनों साइकिल से सामान लेके वापिस आ रहे थे, वरुण सामान पकड़े पीछे बैठा हुआ था और राहुल धीरे धीरे साइकिल पेड़ लगा के चला रहा था। राहुल ने स्पीड काफी कम रखी थी, उसे सुबह सुबह साइकिल चलाना अच्छा लग रहा था। सुबह की ठंडी हवा वो धूप राहुल को काफी सुकून दे रही थी। वरुण उसकी स्पीड देख बार बार उसे और तेज चलाने को कह रहा था, जिसे सुन राहुल पूरी तरह इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने भी पेड़ फास्ट लगाना शुरू कर दिया। उसे जल्द से जल्द विला पहुंचने था और वरुण से पीछा छुड़ाना था। राहुल जितनी तेज साइकिल चलाता, वरुण उसे और तेज चलाने को बोलता। इसी चक्कर में राहुल की साइकिल एक गढ़ में आके फंसी। राहुल ने एन टाइम पर ब्रेक लगा के गिरने से बचा लिया, लेकिन जब थोड़ी दूर आने बाद दूसरा गढ़ा दिखा तो वरुण ने उसे ब्रेक लगाने से मना किया। राहुल ने वरुण को बहुत समझाया, लेकिन वरुण ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों उसी गढ़ के कारण गिरे। वो तो अच्छा था वहां ज्यादा गाड़ियां आती जाती नहीं थी, वरना दोनों अभी सच में हॉस्पिटल होते। राहुल वरुण दोनों को सर पर हल्की चोट आई थी और हाथों में राहुल को पैर में भी चोट आई थी, जो सर हाथ से थोड़ी गहरी थी। पैर में चोट उसके साइकिल चलाने कारण आई थी, वरुण को पैर में नहीं लगी थी। समय दोनों को कुत्ते बिल्ली जैसे लगते देख शक आवाज में बोला, चुप हो जाओ, दोनों दोनों के दोनों किसी काम के नहीं हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। घर की सफाई का काम दिया तो एक दिन में मेरे 200 मिलियन का नुकसान कर दिया, किचन का काम दिया तो मेरे किचन को ही बर्बाद कर दिया, बाहर से सब्जी लाने को कहा तो तुम दोनों ने खुद की ये हालत कर ली। ऐसा कोई काम है जो तुम दोनों बिना नुकसान बिना खुद को चोट पहुंचाई कर सकते हो? समय की बात पर तापसी टपाक से बोली, एक काम है जो दादा कर सकते हैं। समय आंखें छोटी कर अपनी बटरफ्लाई को घूर के, कौन सा काम? तापसी, खाना खाने का। दादा जब तक पूरे टेबल का खाना चट नहीं करेगे, अपनी जगह से नहीं उठेगे, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। राहुल अपनी बहन की बात सुन अपना मुंह रोने जैसा बना लिया। उसकी बहन उसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसे भूखा बुला रही थी। समय अपनी मासूम बटरफ्लाई के सिर पर हाथ फिरा के उसका सर फिर से अपने सिने पर रख दिया। राघव जो कब से चुप बैठा हुआ वरुण राहुल को घूर रहा था, उसने समय के पास आके कहा, SM आप मुझे दुनिया का कोई भी काम बोलोगे मैं करूँगा, आप जितना लोगों को मारने बोलोगे मैं मारूंगा, लेकिन इन दो पागलों की जिम्मेदारी मुझे मत देना वरना मैं मर जाऊंगा। दोनों ने सुबह से मेरा और सारे बॉडीगार्ड का सर खराब कर दिया है। राघव जो कब से चुप खड़ा हुआ था, उसने वरुण राहुल को घूर के समय के पास आके कहा, बोस आप मुझे दुनिया का कोया भी काम दे दो मैं करूँगा, आप जितना लोगों को मारने बोलोगे मैं मारूंगा, लेकिन इन दो पागलों की जिम्मेदारी मुझे मत देना वरना मैं पागल हो जाऊंगा। दोनों ने सुबह से मेरा और सारे बॉडीगार्ड का जीना हराम कर रखा है। इन दोनों नोट को किसने बिजनेस में मूर SEP बनाया है? एक बार अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैर पकड़ के पूछना चाहूंगा कि क्या देख के आपने इन को SEP और बिजनेस मैन बनाया। राघव वरुण की तरफ उंगली कर, मैं इस पागल का दोस्त हूँ, ये सोच सोच के मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा है। इस बेवकूफ आदमी को एक मामूली साइकिल तक के बारे में पता नहीं है, ऊपर से इस महाशय को साइकिल में ऐसी चाहिए सिद्ध बेल चाहिए गेयर चाहिए, जैसे साइकिल साइकिल ना हो के कोई कार हो जिसमें उसे वो सारी चीज मिलेगी जिसकी जनाब को जरूरत होगी, या यूं कहो ये बिना कार के जेट के कहीं जा नहीं सकते। वरुण राघव की बात सुन अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर कर कहा, होनी भी चाहिए, एक साइकिल में भी वो सब होना चाहिए जो कार में होता है, और मैं ऐसी साइकिल जरूर बनाऊंगा। मैं अपने असिस्टेंट को बोल ऐसी साइकिल बनवाऊंगा जिसमें ऐसी सिटबेल गियर छत वाईफाई कनेक्शन मिनी टीवी सब कुछ होगा, सबसे जरूरी चीज उसमें चार टायर होंगे जिसे कोया गड़े में नहीं गिरेगा, और वो साइकिल में बनाऊंगा। मैं एक नई कंपनी लॉन्च करूंगा जिसका नाम होगा वरुण की लेटेस्ट साइकिल कंपनी। राहुल राघव ने अपने सर पर हाथ रख दिया। वरुण की बात सुन उसकी हरकत देख दोनों की आंखें बाहर आने को हो गई। दोनों आंखें फाड़े वरुण को देखने लगे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। समय इन सबको पूरी तरह इग्नोर कर तापसी के बालों से खेलते हुए राघव से बोला, काम कैसा चल रहा है? राघव समय की आवाज सुन वरुण को इग्नोर कर कहा, SM आपने जो जो कहा था वो सब हो चुका है, आपके प्लेन के
हिसाब सब तैयार है, अब सिर्फ आपके एक इशारे की जरूरत है। समय तापसी की गदन में चेहरा छुपा के उसके बालों से आ रही भीनी भीनी स्मेल लेके बोला, जब तक लोमैयापुरी तरह बिल से बाहर नहीं आ जाती तब तक खेल चलने दो। मैं एक साथ सबका शिकार करूँगा, वैसे भी मेरे बच्चे काफी भूखे हैं, मैं उनको खाना में दावत देना चाहता हूँ। समय के मुंह से बच्चे सुन राघव की हालत खराब हो गई, उसने हकलाते हुए कहा, ककई कयाबा बोस आप उन सबको यहाँ लाने वाले हो। समय बिना एक प्रयासन तिरछी नजरों से राघव को देख क्यों नहीं ला सकता। राघव समय की नजरें देख घबरा गया, उसने अपनी नजरें तुरंत झुका ली। समय कोल्ड वॉइस में, मेरे बच्चों के लिए डाकविला तैयार रखो, वो सब वही रहेगी, उनके खाने के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वरना राघव इस बार बिना नजरे उठा के बोला, डोंट वरी बोस उनको कोई कमी नहीं होगी। समय हम तापसी समय के मुंह से बच्चे सुन अपनी टिमटिमाती आंखों से कब से उसको देख रही थी। समय तापसी की आंखें देख बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा के पिंजरे में लेटा के ऑफिस चला गया। तापसी ने भी समय को कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो पूछना चाहती थी कि कौन है उसके बच्चे और कहा है उसने उसे बच्चों वाली बात क्यों नहीं बताई। राहुल वरुण भी अपने कमरे में चले गए। सॉरी कल छोटा एपिसोड दिया, कल मेरे भाई की शादी थी, सुबह 6 बजे पूरी हुई, पूरा दिन यहाँ से वहाँ काम में चला गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लिखने का, घर पर भी बहुत गेस्ट है आज भी, शायद छोटा एपिसोड दुगी कल के लिए, दिल से सॉरी, लेकिन मुझे सच में कल थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। मेरे भाई की शादी बहुत अच्छे से हुई है, आज बहुत थक चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके लिए स्टोरी लिख रही हूँ। मुझे पता है आप सब मेरी प्रॉब्लम समझोगे और पहले की तरह सपोर्ट दोगे। समय ऑफिस। समय केबिन में एरोगेंट स्टाइल से अपनी किंग चेयर पर बैठे हुए पेन को अपनी उंगलियों से गोल गोल घुमा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा इमोशनलेस था। उसके सामने राघव एक चेयर पर बैठा था, उसके पीछे दो असिस्टेंट खड़े थे, दोनों ही लड़के थे। एक लड़के ने समय से कहा, बोस हमारी सीप अमेरिका से बाहर जा चुकी है, कल तक वो अपनी मंजिल पर होगी। राघव लड़के की बात सुन, सीप यहाँ से निकली है या नहीं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो सही टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुँचेगी या नहीं। दूसरा लड़का, डोंट वरी सर, हमारी सीप टाइम पर मंजिल पर पहुँच जाएगी। उसी वक्त समय की कोल्ड वॉइस उनके कानों पर गई, जो बोल रहा था, सीप में से एक भी चीज कम हुई तो अपनी जान खुद के हाथों से ले लेना, वरना मेरे हाथों से मौत भी मौत से डरावनी होगी। लड़के समय की बात सुन डर से कांपने लगे। राघव पीछे खड़े लड़कों को जाने का इशारा किया, लड़के राघव के इशारे को समझ वहां से 9:00-11:00 हो गए दोनों। वहां से ऐसे भागे जैसे किसी ने उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिया हो। उनके जाने के बाद राघव समय की ओर देख बोला, SM आपके सबसे बड़े राइवल वरधान वाशु ने आपको अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में बुलाया है। समय उसकी बात सुन एक आईब्रो ऊपर कर तिरछी नजरों से राघव को देखने लगा। समय की नजरों को देख राघव, मुझे नहीं पता बोस उसने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने जासूस को भेजा है पता करने। समय बिना एक प्रयासन पेन को एक हाथ से रोल कर, हम इंटरसेक्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग, चलो चलते वरधान बाशु के विला। राघव समय की बात सुन हैरानी से आंखें बरी कर, लेकिन बोस वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जानता हूँ, SM दोस्त से ज्यादा दुश्मन को करीब रखना पसंद करता है, वो जीतने करीब हो गए उनको हराने में इतना ही मजा आएगा, इनवाइट को ले लो। समय इवल स्माइल कर उसकी बात बीच में काट के कहा। राघव समय की स्माइल देख सर हिला के, ओके बोस। समय जाना कब है? राघव कल। समय कुछ सोच तिरछी स्माइल कर, अकेले जाने का मूड नहीं है, सोच रहा हूँ तुम्हारी मैडम को भी ले चलूँ, मेरी मासूम बटरफ्लाई पिंजरे में रहे के बोर हो चुकी होगी तो थोड़ा बाहर घुमा के आता हूँ। बासु विला। विला विला कम महल ज्यादा लग रहा था, विला इतना बड़ा था कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विला नहीं महल है। विला के बाहर इतना बड़ा गेट था जिसके ऊपर वर्सेस बासु लिखा हुआ था, गेट भी काफी बड़ा था, उसके अंदर चारों ओर सुंदर सा गार्डन था, गार्डन 6 से 8 फीट बड़ा था, गार्डन के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी जिसे खुद वधौन ने बनवाई थी, जिसे उसका कोई भी दुश्मन पार ना कर सके, जिसे पार करना इतना आसान भी नहीं था। विला में कल की पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, सारी तैयारी वधौन ने अपनी बहन की पसंद से तैयार
करवाई थी साहिन वानी के साथ पाला गई हुई थी। उसे जब से पता चला था कि समय कल पार्टी में आने वाला है वो सुबह से खुद को सजाने में लगी हुई है। उसने सुबह से वधौन का सर खा के रखा है। वधौन अपने सोफे पर बैठ अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा था। उसका असिस्टेंट राज सारे ऑर्डर सुन सब तैयारी वधौन के हिसाब से करवा रहा था। समय का विला शाम के 7 बजे। आज समय ऑफिस से जल्दी विला लौट आया था। इस वक्त वो तापसी के साथ उसके पिंजरे में था। राहुल वरुण बाहर गए थे। वरुण को कुछ ऑफिस का काम था तो राहुल को अपनी ड्यूटी देखनी थी। इस वक्त तापसी समय विला में अकेले थे। समय इसका फायदा अच्छे से उठा रहा था। इस वक्त पूरे विला में तापसी की सिसकियां निकल रही थी। समय तापसी के साथ पिंजरे के अंदर ही इंटीमेट हो रहा था। तापसी समय के इंटीमेट होने से तेज तेज सांसें ले रही थी। समय तापसी के कपड़े पूरी तरह निकले हुए नहीं थे। समय की सट अभी भी उसके शरीर पर थी और तापसी की टोप भी। समय ने सिफ़ेद तापसी के नीचे के कपड़े निकाले थे। तापसी के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। समय कुछ ज्यादा ही तेज तेज अंदर बाहर हो रहा था। इस वक्त समय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तापसी पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उसका कल का दर्द भी कम नहीं हुआ था और समय आज फिर इंटीमेट हो गया। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। तापसी दर्द से आहे भरते हुए बोली, आह समय जी बस कीजिए, दर्द हो रहा है। समय अपनी स्पीड कम करने की बजाय और तेज कर तापसी को उठा के पिंजरे से सटा के और वाइल्ड के साथ इंटीमेट होते हुए बोला, शह अभी नहीं, बटरफ्लाई में अभी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुआ। तापसी भीगी हुई आंखों से, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, आप बाहर आइए। आह समय को देसे उसकी आह से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो और तेज होके, नो बटरफ्लाई अब नहीं मुझे, मेरी वाइल्डनेस को तुम्हें सहना होगा, मुझे रोकने की कोशिश करना छोड़ दो। समय तापसी के बाकी बचे कपड़े निकाल फेंके। खुद की सट भी समय अभी भी नीचे उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तापसी के अंदर से बाहर निकल समय ने तापसी को ऐसे ही गोद में उठा के कमरे में आ गया। तापसी का पूरा चेहरा समय और खुद की हालत देख लाल हो चुका था। दोनों के ही शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। समय उसके चेहरे को गौर से देख, बेबी अब कैसी क्षमा, कल से अब तक मैंने तुम्हें और तुमने मुझे पूरी तरह अच्छे से देख लिया है, वो भी बिना कपड़ों के। यहाँ तक मैंने तो अपनी बटरफ्लाई का टेस्ट भी चखा है। अब क्षमा करना छोड़ो और मुझे खुश करो। जैसे मैं करता हूँ तुम्हें ऐसे ही मुझे भी करो। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा मैं अपनी जान को पूरी रात सोने नहीं दूंगा। मुझे और चाहिए एक राउंड, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा डेविल तुम्हें रात भर प्यार ना करे तो तुम मुझे पहले ही राउंड में सेटिस्फाई कर दो। तापसी समय की बेशर्मी भरी बात सुन आंखें बरी कर समय को देखने लगी। समय उसकी क्यूट सी आंखें देख स्माइल कर बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। तब तक दोनों अपने कमरे में भी आ गए। आते ही समय ने तापसी को बिस्तर पर लेटा के बिना देर किए उसके होठों पर किस करने लगा। तापसी कुछ समझ पाती उसे पहले समय पूरी तरह उसके ऊपर था और वो नीचे जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। समय का पूरा वेट मासूम सी तापसी के ऊपर था और समय उसे डिपली किस कर रहा था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं next video, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।